नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने चैनल देखे सीखे पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्पास एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एप्लीकेशन कोई एरीगरी एप्लीकेशन नहीं है दोस्तों। अक्सर हम कॉम्पास एप्लीकेशन से दिशा देख सकते हैं, जैसे कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इस तरह की दिशा को हम देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस एप्लीकेशन की मदद से दोस्तों हम दिशा तो देख ही सकते हैं, साथ ही साथ हम इस एप्लीकेशन में अपनी कोई इंपॉर्टेंट फ़ोटो, वीडियोस, नोट्स वगैरह को हाइड करके रख सकते हैं, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। क्योंकि लोग अक्सर ये कॉम्पास वाली एप्लीकेशन को कभी चेक नहीं करते हैं, तो इसमें हम अपनी फ़ोटो और वीडियो को हाइड करके रख सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि दोस्तों इसमें हमने अपनी फ़ोटो और वीडियो को हाइड करके रखा है। कोई कॉम्पास एप्लीकेशन मोबाइल में जल्दी ओपन भी नहीं करता, अगर मोबाइल में भूल से ओपन भी कर दिया दोस्तों तो वो दिशा ऐसे चेक करके वापस बंद कर सकता है। तो चलिए दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूँ ये कौन सी एप्लीकेशन है, कहाँ से इंस्टॉल करना है और किस तरह से आप इस एप्लीकेशन की मदद से अपने फ़ोटो और वीडियो को हाइड करके रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है वीजे और आप देख रहे हैं देखे सीखे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक, और इस चैनल को भी यहाँ पे क्लिक करके कर दीजिए सब्सक्राइब और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो पोस्ट करें तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों सिंपल सा चले जाना है आपको गूगल प्ले स्टोर में और वहाँ से कॉम्पास नाम की एप्लीकेशन को कर लेना है इंस्टॉल। इस एप्लीकेशन की लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे जाके आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जैसे नॉर्मल कॉम्पास में दिखता है। हम उसे अपनी दिशा को इस कॉम्पास से देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको अगर इसमें अपनी फ़ोटो, वीडियो या फिर कोई नोट्स वगैरह को हाइड करना है दोस्तों, तो यहाँ पे मिडल में दोस्तों आपको थोड़ा सा प्रेस करके रखना होगा। प्रेस करके रखने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जैसे ऐप को आप ओपन करेंगे तो कुछ परमिशन अलाउ करने को कहेगा, तो आप परमिशन अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी एक पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे 1234 सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने पहले से सेट किया हुआ था दोस्तों, तो इसलिए मेरा एक्टिव हो गया। तो आप कोई भी पासवर्ड सिलेक्ट कर लीजिएगा 1234, उसके बाद से कंफर्म करने को कहेगा, तो पासवर्ड एक बार और एंटर कर दीजिए। उसके बाद से यहाँ पे आप आ जाएंगे। वहाँ से दोस्तों आपको अगर कोई इमेज को आपको यहाँ से हाइड करना है तो इमेज पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम न्यू एल्बम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऊपर जो प्लस वाला आइकन है वहाँ पे क्लिक करके इमेज को यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ से कुछ इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ से 1 2 3 4 इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों, और यहाँ पे लॉक वाला जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी 4 इमेज है दोस्तों यहाँ पे हाइड हो चुकी है। सिर्फ आप इस एप्लीकेशन में इस 4 इमेज को देख पाएंगे, ये इमेज आपको गैलरी में देखने को अब नहीं मिलेगी। यहाँ से आप ओपन करके इस इमेज को आप देख सकते हैं, अपनी जितनी भी इमेज को आपने लॉक की हुई है। वापिस अगर दोस्तों आप चाहते हैं वीडियो को हाइड करना, तो यहाँ से वीडियो पर क्लिक करके आप न्यू एल्बम पर क्लिक करके प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपकी जो भी वीडियोस होंगे दोस्तों आप यहाँ से सिलेक्ट करके इन वीडियो को आप हाइड कर सकते हैं। हाइड करने के बाद दोस्तों आपको ये वीडियो गैलरी में देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर कोई ऑडियो भी हाइड कर सकते हैं और आपके पास कोई नोट्स वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैंने अपना जो भी फ़ोटो वीडियो हाइड की हुई उसे मुझे हाइड नहीं करना है, अब मुझे वो गैलरी में लाना है दोस्तों, तो सिंपल सा इमेज पे जाना है और वो यहाँ पे जो इमेज आप अनहाइड करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जो लॉक वाला आइकन है दोस्तों, जो अनलॉक है वहाँ पे कर देंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे अनहाइड पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारी इमेज अनहाइड हो गई और हमारी जो ये इमेज गैलरी में थी वो वहाँ पे गैलरी में जाके सेव हो चुकी है, तो ये इमेज हमें गैलरी में देखने को मिल जाएगी। सेम प्रोसेस दोस्तों वीडियो का भी है। अगर आप वीडियो को अनहाइड करना चाहते हैं तो सिंपल सा सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे अनलॉक पे क्लिक करके अनहाइड पे क्लिक कर दीजिए, तो हमारी ये वीडियो अनहाइड हो चुकी है। सेम प्रोसेस दोस्तों आपको नोट्स और ऑडियो में करना है। दोस्तों इस तरह से आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को करें लाइक। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।